हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी जाके देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। इंडियन आर्मी रैली कर्नाटका में आयोजित होने जा रही है। अगर आप यह जानना भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी रैली कर्नाटका में आयोजित होने जा रही है। यह आप सभी की रैली 28 मई से लेकर 6 जून तक आप सभी की भर्ती चलेगी। यह कर्नाटका 11 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। इसमें जिलों की बात करें, बेंगलकोट, बीजापुरा, दावड़, उत्तरी कनाडा, दक्षिणी कनाडा, उदपी, गदाग, हवेली, शिवामोगा आदि इसमें ज़िले हैं। इसमें जो आप सब रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल से कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 मई है। 16 अप्रैल से शुरू होगी, जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 15 मई होगी। इसमें एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड आपके 20 मई से लेकर 25 मई के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। और इसमें एजुकेशन की बात करें, जो फिजिकल की, अगर आप सोल्जर जेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 17.5 से लेकर 21 वर्ष एज मांगी होगी आपकी। और एज कट ऑफ की बात करें, 1 अक्टूबर 1998 और 1 अप्रैल 2002, अगर आपकी इतनी एज बनती तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो आप। और उसमें हाइट की बात करें, 186 सेंटीमीटर मांगी हुई है उन्होंने। और वेट की बात करें, 50 kg। और आपकी चेस्ट की बात करें, 70 से 5 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और उसमें एजुकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास हो तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो वैकेंसी आप सभी यहाँ देख सकते हो, सोल्जर टेक्निकल की, सोल्जर नर्सिंग, सोल्जर क्लर्क आदि की वैकेंसी है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। सोल्जर क्लर्क की बात करें हम दोस्तों, 17.5 से 23 वर्ष एज मांगी हुई है इसमें। और एज कट ऑफ की बात करें, 1 अक्टूबर 1996 और 1 अप्रैल 2002, अगर आपकी इसके बीच में एज बनती है तो तभी इस फार्म को आप सभी अप्लाई कर सकते हो। और हाइट की बात करें, 162 सेंटीमीटर है। और वेट इसमें 50 है। और इसमें चेस्ट की बात करें, 70 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप +2 पास हो तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैथ अकाउंट्स है तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आपके 50% अंक होने चाहिए, ठीक है, और तभी इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मैथ और अकाउंट्स अकाउंटेंट होना अनिवार्य है तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी सोशल टेक्निकल के भी सेम टू सेम आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। नर्सिंग के लिए भी है, ठीक है। और उसमें बात करें सोशल ट्रेडमैन की, अगर आप 18वीं पास हो तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। और उसमें एज की बात करें, 17.5 से यानी कि 23 इसमें एज मांगी हुई है, 1 अक्टूबर 1996 टू 1 अप्रैल 2002, अगर आपकी इतनी एज बनती है तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें फिजिकल की बात करें, जो आपकी 1600 मीटर की इसमें रेस होगी। जो आपकी फर्स्ट ग्रुप की बात करें, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग पूरा करते हैं तो आपको 60 अंक दिए जाएंगे। अगर आप सेकेंड ग्रुप यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में मारते हो तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसमें आपके 9 फुट का जंप होगा। और उसमें पुशअप की बात करें दोस्तों, आगे फिजिकल की बात करें, अगर आप 10 पुशअप मारते हैं तो आपको मिलेंगे 40 अंक। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन में। और आगे इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपने एडमिट कार्ड लेके जाना है, इसमें फोटो लेके जानी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जानी है, आपने डोमिसाइल लेके जाना है, कास्ट का लेके जाना है, ठीक है, करेक्टर का लेके जाना है, स्कूल का लेके जाना है, और अनमेरिट का ले जाना है, एनसीसी का लेके जाना है। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो आप स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स भी से ले सकते हो, ठीक है। और आप सभी ने आधार कार्ड जरूर लेके जाना है आप सभी ने, ठीक है। बस यही अपडेट आप सभी साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हो, इंडियन आर्मी रैली की जाकर .com पर कर आप सभी है नोटिफिकेशन देख सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।